मेरी मुअज्जिज़ खातून अव्वल, हमारे खानदान की जीनत, भला आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आपका क्या मतलब है मौदूद? इस्मत खातून, मुझे लगता है सुल्तान उससे शादी करने वाले हैं। जो मैं सोच रहा हूं यकीनन आपने भी तो सोचा होगा। आप मलिके खातून हैं सलजूक खानदान की। ये बोरू कुछ अरसा पहले आपके खानदान के गुलाम थे। इस्मत खातून की औकात ही क्या है कि मेरा भाई शादी करे उससे, वो भी आपके होते हुए। क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से कबूल कर लूंगी? आगे क्या करना है जानती हूं। जो सोचा है जल्दी कीजिएगा आप, खुदा ना खास्ता देर ना हो जाए। और फिर अगर कहीं इस्मत खातून हमारे सुल्तान को सल्तनत का वारिस दे दें, तो आप तो कहीं की भी ना रहेंगे। याद रखें, नूरुद्दीन जंगी ने मुत्तहिद होने की पेशकश की है। मुत्तहिद? उसके भाई के साथ मुत्तहिद हो तो गए, और क्या चाहता है? इससे भी ज्यादा, वो सारी जिंदगी के लिए मुत्तहिद होना चाहता है मेरे साथ। क्या मतलब है आपकी इस बात का आपा? आपा खातून, कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? मैं बस पेशकश से आगाह कर रही हूं तुम्हें, अब तुम जो चाहो सोच सकते हो। आला, इस अकलमंद नूरुद्दीन जंगी को तो देखो, मेरी बहन से शादी करके मेरी ताकत का फायदा उठाना चाहता है। कारा तेगिन बेवकूफ नहीं है। वाह वाह, वो आपसे शादी करेगा और हमारे कबीले को अपने आगे झुका लेगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा आपा खातून। मैं अगर सुल्तान नूरुद्दीन से इत्तेहाद कर लूं, तो सारे सरदार मेरी तरफ हो जाएंगे और मौदूद के साथ जो तुमने मंसूबे बनाए हैं बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे गुस्से की असल वजह ये है ना, बोलो। क्या आप भूल गई कि सालों पहले उसने आपके साथ क्या किया था? आपकी जिंदगी तबाह करने वाला अब आपके साथ मुत्तहिद होना चाहता है, वो भी सारी जिंदगी के लिए। मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। इंतजार था कि तुम अपनी राह बदलोगे, मगर देख रही हूं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बोरू का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। मेरे साथ आप ऐसे पेश नहीं आ सकती आपा खातून। ना तो मैं अपने रास्ते से हटूंगा और ना ही नूरुद्दीन जंगी की ये पेशकश कबूल करूंगा। मेरी बहन के जरिए मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, मैं कैसे इस खेल को बिगाड़ता हूं देख लेना आपा खातून।